मध्य अमेरिका के एक खोजी दल ने पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी एक अति रहस्यमयी सभ्यता व्हाइट सिटी का पता लगाया। सदियों पहले यह सभ्यता अमेजन के घने वर्षावनों में रहा करती थी और बाहरी दुनिया से इस सभ्यता का किसी भी प्रकार का कोई जुड़ाव नहीं था। जब कैरेबियन सागर के पास बसे एक देश होंडुरस के राष्ट्रपति ने यहाँ एक रहस्यमय खजाने के होने की बात स्वीकार की और इसे खोजने की अनुमति दी, तभी से यह पुरातन सभ्यता और यहाँ छिपा हुआ खजाना दुनिया भर के लोगों के बीच एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योत्सना और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ति सरोवर। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड के बारे में, जिसे खोजने का काम अमेरिका के SAS सोल्जर्स, खोजी समूह, अमेरिकी वैज्ञानिकों और पुरातन विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से किया है। इस दुर्लभ जगह पर सोने से बनी कुछ चीजों के मिलने के बाद से इस जगह की चर्चा और जोरों पर होने लगी है। वजह है यहाँ छिपा हुआ वह अकूत खजाना, जिसे इस पुरातन शहर के देवता मंकी गॉड का बताया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है इस लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड की पूरी कहानी और क्या संबंध है इसका हनुमान जी से। थिएडोर मॉर्ड की खोज। थिएडोर मॉर्ड एक साहसिक खोजी थे जिन्होंने मध्य अमेरिका में बसे एक ऐसे स्थान का पता लगाया जहां की सभ्यता बेहद रहस्यमयी और बाहरी दुनिया से इस सभ्यता का कोई भी संपर्क नहीं था। मॉर्ड का कहना था कि उन्होंने एक ऐसा कबीला या फिर किसी गांव जैसा दिखने वाला एक बहुत ही पुराना शहर ढूंढ निकाला था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस जगह के लोग एक बंदर जैसे दिखने वाले इंसान को अपना देवता मानते थे। मॉर्ड के मुताबिक उस जगह का नाम लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड है। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा पिछले ना जाने कितने ही सालों से लॉक यूडियार्ड ब्लांका नाम के इस जगह को खोजा जा रहा था, लेकिन मॉर्ड की खोज ने उन्हें एक नया मोड़ दिया। मॉर्ड के कथा अनुसार मध्य अमेरिका के मस्क्यूशिया वर्षावन में करीब 32,000 वर्ग मील में फैली एक ऐसी जगह है जो हजारों सालों से लोगों की नजरों से छिपी हुई थी। इस जगह को खोजने के लिए मॉर्ड अपने एक साथी लॉरेंस के साथ 4 से 5 महीनों तक वर्षावन के खतरनाक जंगलों में भटकते रहे। महीनों भटकने के बाद आखिरकार मॉर्ड को कामयाबी मिली और उन्होंने वहां एक ऐसे स्थान का पता लगाया जहां की दीवारें किसी आम पत्थर से नहीं बल्कि सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थी। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी समय यहां कोई बहुत बड़ा साम्राज्य रहा होगा। इस शहर के चारों ओर सफेद संगमरमर की दीवारों का घेरा था। कुछ स्थानीय आदिवासी कबीलों से पूछताछ करने पर मॉर्ड को पता लगा कि यहाँ एक ऐसी मानव सभ्यता रहा करती थी जिनका देवता एक बंदर की भांति दिखने वाला मनुष्य था। वह ना तो पूरी तरह से मानव था और ना ही पूर्ण रूप से बंदर। इस जगह का पता लगाने के बाद जब मॉर्ड ने इस रहस्यमयी स्थान के बारे में दुनिया को बताया तो लोगों में इस जगह के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। विश्व प्रसिद्ध नेशनल जियोग्राफिक चैनल की टीम ने होंडुरस के वर्षावनों में बसे इस रहस्यमयी जगह और यहाँ छिपे खजाने के बारे में और पता लगाने का जिम्मा उठाया। टीम ने बताया कि यहाँ मिले संगमरमर के पत्थर
हजारों साल पुराने बने हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं। नेशनल जियोग्राफिक टीम ने यहाँ संगमरमर से बनी किसी बंदर के आकृति की तरह दिखने वाली एक प्रतिमा भी खोजी। इसके बारे में खोज से पता चला कि यह हजारों साल पुरानी और अनछुई है। कुछ जगहों पर यहाँ सोने से बनी धातुओं के मिलने से इस जगह किसी बड़े खजाने के छिपे होने की बात भी साबित होने लगी और तब से बहुत सारे खोजी दल यहाँ छिपे खजाने की तलाश करने और इस रहस्यमय जगह के बारे में जानने के लिए आते रहे हैं। नेशनल जियोग्राफिक की टीम को यहाँ और भी सबूत मिले और यहाँ मौजूद बहुत सारी किंवदंतियां भी मिली, लेकिन इस सभ्यता के बारे में किसी भी प्रकार की प्रमाणित और ठोस जानकारी अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई है। थियोडोर मॉड ने भी कभी इस जगह के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। खोज के कुछ सालों के बाद ही उनकी रहस्यमय हालातों में मृत्यु हो गई। आधुनिक वैज्ञानिकों को जहां इस सभ्यता के बारे में अभी काफी कुछ पता लगाना बाकी है, वहीं हिंदू पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। मॉड द्वारा जिस जगह की खोज की गई थी, ठीक उसी जगह का उल्लेख रामायण में हजारों वर्षों पहले किया गया था। रामायण के किष्किंधा कांड के मुताबिक हनुमान जी एक समय पर मध्य अमेरिका गए थे। हनुमान जी हिंदू धर्म से संबंधित ऐसे भगवान हैं जिनका शरीर देखने में तो बिल्कुल एक बंदर की भांति है, लेकिन उनकी चाल ढाल तथा वाणी इंसानों वाली ही है। रामायण में मौजूद इस अध्याय के मुताबिक एक बार हनुमान जी पाताल लोक की ओर रवाना हुए। वर्तमान में पाताल लोक को मध्य अमेरिका तथा ब्राजील का हिस्सा ही माना जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के ग्लोब के आधार पर भारत देश से बिल्कुल उल्टी दिशा में पड़ता है, जो जमीन से काफी नीचे है, इसीलिए इसे पाताल लोक माना गया है। इस अध्याय के अनुसार एक बार हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण की कैद से बचाने के लिए पाताल लोक गए थे। वहां उन्हें उनके पुत्र मकरध्वज मिले, जो भगवान हनुमान की तरह ही दिखते थे। पाताल लोक पहुंचने पर हनुमान जी का पाताल के राजा अहिरावण से भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पाताल लोक का राजा अहिरावण मारा गया और हनुमान जी ने अंत में पाताल लोक को अपने पुत्र के नाम घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद वहां के सभी लोग मकरध्वज को अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। विद्वानों के मतानुसार यह एक कारण हो सकता है कि क्यों मॉड द्वारा खोजी हुई इस जगह पर लोगों द्वारा एक बंदर जैसी दिखने वाली जीव की पूजा की जाती थी। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि वह देवता स्वयं हनुमान ही हो सकते हैं। अपनी खोज से वापस लौटते समय मॉड अपने साथ निशानी के तौर पर काफी सारी चीजें लेकर आए थे, ताकि वैज्ञानिक उनकी खोज पर यकीन कर सके। लेकिन हैरत की बात है कि मॉड ने अपनी खोज की सारी बातें कभी भी विस्तार से नहीं बताई थी। ना ही उन्होंने कभी यह बताया कि जिस व्हाइट सिटी को उन्होंने खोज निकाला था, उस तक पहुंचने का रास्ता क्या है। मॉड ने वैज्ञानिकों से कई पहलू बांटे, लेकिन मूल संदर्भ के विषय में कुछ भी नहीं बताया था। इसी कारण लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड पर आधारित हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपनी राय जरूर दें। हालांकि इस जगह और हनुमान जी से इसके संबंध के बारे में अभी भी काफी कुछ पता लगाना बाकी है, लेकिन यदि आप होंडुरस के इतिहास के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई किताब के लिंक पर क्लिक करके इस किताब को जरूर पढ़ें, जो इस संबंध में काफी कुछ बताती है। और अधिक रोचक वीडियोस
और जानकारियों के लिए हमारा YouTube चैनल भक्ति सरोवर जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।